सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने बहुचर्चित अजीत सिंह हत्याकांड मामले में वांछित अभियुक्त और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की अर्जी पर थाना विभूतिखंड से रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया है। अर्जी में इस मामले की विस्तृत आख्या तलब करने की मांग की गई है, साथ ही उस आख्या के आधार पर समुचित आदेश पारित करने की भी मांग की गई है, ताकि इस मामले में उसकी भूमिका स्पष्ट हो सके तथा उसके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। मामले की अगुवाई सुनवाई 24 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि दाखिल इस अर्जी पर धनंजय के वकील प्रांशु अग्रवाल और आदेश सिंह ने बहस की। उन्होंने कहा था कि इस मामले में 20 फरवरी 2021 को अभियुक्त के खिलाफ NBW जारी हुआ था। बाद में कुर्की की कार्यवाही से पहले की नोटिस भी जारी हुई थी, जबकि 5 मार्च 2021 को धनंजय ने इस मामले में अपना नाम आने के बाद प्रयागराज के MP MLA की विशेष अदालत में एक दूसरे मामले में आत्मसमर्पण कर दिया था। विशेष अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। 31 मार्च को जमानत पर रिहा हो गया। बावजूद इसके राजधानी पुलिस ने इस मामले में उसका वारंट भी हासिल नहीं किया। इस दौरान पुलिस ने अभियुक्त का बयान लेना भी मुनासिब नहीं समझा। कहा गया है कि अब तक की विवेचना में अभियुक्त का कोई अपराध नहीं पाया गया है, फिर भी पुलिस परेशान कर रही है और गिरफ्तार करना चाहती है। अजीत सिंह की हत्या में विवेचना के दौरान धनंजय सिंह का नाम प्रकाश में आया था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.